सतनाम वाहे गुरु साहिब जियो, राम कली महला तीजा, आनंद इको अंकार, सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सहज सेती, मन बजियां वादाइयां, राग रतन परवार परियां, शब्द गावन आईयां, शब्दों तां गावो हरि केरा, मन जिनी वसाया, कह नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया, कह नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया। परम सन्मानयोग चवर छत्र तख दे मालक, जुग हो जुगे अटल, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी, सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभायमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सतगुरां दी अपार मेहरमत बख्शिश कृपा दे सदका, धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह जी सतगुरां दी पावन पवित्र मुबारक रचना तो उचारण कीती अमृतमई बाणी, पावन श्री आनंद साहिब जी दी अमृत बाणी दी विचार अज इन्हां पावन दीवाना तो आपां आरंभ करन जा रहे हैं। सतगुरु धन गुरु अमरदास पातशाह जी दी मुबारक रचना तो उचारण कीती ए पावन बाणी, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी सतगुरां दे मुबारक अंग 917 उपर सुभायमान है। आओ साध संगत जी, पहली पौड़ी दा पाठ आप जी ने सरवण कीता है, करो कृपा अमृत बचना नू समझण तो पहला आओ सारे रल के अपनिया मनोबिरतियां नू करिए एकागर, ते बड़े प्यार सहित आखो जी सतनाम, धन वाहे गुरु साहिब जियो, सतनाम धन वाहे गुरु साहिब जियो। धन गुरु अमरदास पातशाह जी सतगुरां दी ए अमृत रचना राग राम कली दे अंदर, धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे 917 अंक ते ए अमृत बाणी सुभायमान है। जिवें कि इस बाणी दे सिरलेख तो ही सानू समझ आ जांदी है कि धन गुरु अमरदास पातशाह जी ने इस पावन बाणी दे अंदर आनंद दी गल कीती है। आनंद दा भाव हुंदा है खेड़ा, आनंद दा भाव हुंदा है आत्मक खिड़ाओ। सात संगत दुनिया दे अंदर हर एक मनुख अपने इष्ट दे चरणा विचो, अपने परमात्मा दे चरणा विचो दुनियावी सुखां दी मांग करदा है। हर कोई इंसान अपने जीवन दे अंदर दुनिया दे सारे सुखां नू लोचदा है, और सतगुरु जी ने ते पावन बाणी दे अंदर भी इस गल दा जिक्र कीता है। जदों आपां धन गुरु नानक साहिब पातशाह जी दी अमृत रचना दे अंदरों श्री राग जिथों आरंभ हुंदा है, अमृत राग पहला राग अमृत बाणी दे अंदर, उत्थे भी सतगुरु गुरु नानक साहिब जी ने जिक्र कीता है। पातशाह कहिंदे ने मोती तां मंदर उसरै,
रतनी ता होए जड़ाऊ कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ मत देख भुला विसरे तेरा चीत ना आवे ना। पातशाह कहिंदे ने मेरे सिख दे कोल दुनियावी सारियां सहूलतां होण उंदा जिहड़ा महल है जिहड़ा घर है वह मोतियां दे नाल उसरिया होए उस महल दे अंदर कीमती रतन जड़े होण उस महल दे अंदरों जिहड़ियां सुगंधियां ने वह बड़ियां कीमती ते सोहणियां सुगंधियां उंदे अंदरों आउंदियां होण। इन्ना कुछ कहण दे बावजूद मेरे साहब कहिंदे ने पर गुरु के सिखा अपने जीवन दे विच एक गल नूं हमेशा चेते रखी जे तेनूं जीवन विच इन्ना कुछ भी मिल जाए ते धन गुरु नानक पातशाह जी कहिंदे ने इन्ना कुछ वेखण तों बाद इन्नियां प्राप्तियां तों बाद किते ऐसा ना होवे तेनूं ओह मालक करता परमात्मा जो सब कुछ देण वाला है ओह तेनूं विसर जाए। मत देख भुला विसरे साहब कहिंदे ने मतां देख दे खके नूं सिहारीए इन्हां मतलब ए देख के गुरु नानक साहब कहिंदे ने मतां इन्हां कुछ देख के तेनूं परमात्मा विसर ना जाए। साध संगत जी इस गल विच कोई दोहरावा नहीं ये मनुखी सुभा है। जदों मनुख संसार दीआं वस्तुआं नाल जुड़दा है पदार्थां नाल जुड़दा है उस वेले संसार दे पदार्थां ते वस्तुआं दे नाल इहदा मन इन्ना जुड़ जांदा है कि इहनूं परमात्मा अकाल पुरख ओ परिपूर्ण परमात्मा ओ रब्बी गुण जीवन विचों विसर ही जांदे ने। गुरु अमरदास पातशाह जी ने कृपा कीती ते सतगुरु ने आत्मक खेड़े दी गल कीती है। आत्मक खेड़ा आत्मक सुखां तों बड़ी उपर दी दात है। देखो बचपन विच जवानी विच ते बुढ़ेपे विच मनुख अपने जीवन दीआं इन्हां तिन्ने अवस्थावां दे अंदर संसार दे सुखां नूं लोचदा है। यही कारण है जिथे बचपन दे विच इहनूं संसार दे सुख छोटियां छोटियां वस्तुआं दे विचों लभण दा यतन करदा है माँ प्यो नूं खिडौणियां दी मंग करदा है माँ प्यो नूं बाहर कोई मिठी चीज़ लैके उन्हूं खाण दी मंग करदा है। पर जिवें ये जवानी दे विच कदम रखदा है थोड़ा वड्डा हुंदा है वह खिडौने जिहड़े हुंदे ने वह फिर कार नहीं खिडौने दी चाहीदी इहनूं हुण इहनूं कार चाहीदी है बहुत महंगी ते बहुत वड्डी हुण इहनूं संसार दे स्वादले पदार्थ चाहीदे ने इह संसार दे सुख ने। पर एक गल चेते रखिए साहब दी पावन बाणी कहिंदी है सुख है को दुख अगला। पातशाह कहिंदे ने सुख तो अगे मनुख दे जीवन अंदर दुख भी है क्योंकि ये दो अवस्थावां ने जीवन दीआं। साध संगत जी इन्हां नूं सानूं बाणी विचों समझना पएगा जे सिर्फ असी एक चीज़ नाल जुड़ जावांगे ते ख्याल करियो फिर कदे भी जीवन दे अंदर परमात्मा दे हुक्म नूं नहीं समझ पावांगे। और सतगुरु जी कहिंदे ने मनुखी जीवन दा जिन्ना भी रहस है या यूं कह लो मनुखी जीवन दे अंदर दी जिहड़ी आनंद दी प्राप्ति दी अवस्था है वह परमात्मा दे हुक्म नूं बूझियां तों बिना कदे प्राप्त नहीं हुंदी। तां ही साहिब ने बाणी विच वार वार सानूं परमात्मा दे हुक्म विच चलण दी गल कीती है। तां ही साहिब जी दे पावन बचन तुसीं पढ़दे वी हो पातशाह कहिंदे ने हुक्म मन्निआ होवै प्रवान सतगुर दे हुक्म नूं मन्नेगा तां तू जीवन दे विच मालक दे चरणां दे विच प्रवान होवेगा। और हुक्म दे विच सुख दी अवस्था भी आउंदी है ते हुक्म विच साध संगत जी दुख दी अवस्था भी आउंदी है। इस गल नूं कदे अपने जीवन विचों भुलीए ना। अज धन गुरु अमरदास पातशाह जी ने जदों इस पावन बाणी दी आरंभता कीती है ते पातशाह जी कहिंदे ने आनंद पिया मेरी माए सत गुरु मैं पाया। माई शब्द इत्थे संबोध की शब्द है जिवें संसार अंदर मनुख किसे दे नाल कोई गलबात करदा है ते उन्हूं बुलान लग्या उन्दे नाम नूं पुकारदा है जदों दे नाम नूं पुकारदा है ते उस बंदे नूं समझ आ जांदी पता लग जांदा है भी इस इंसान ने मैनूं बुलाया। मन लो साध संगत जी कोई 20 30 40 50 बंदियां दा इकट्ठ होवे
उस इकट्ठ दे अंदर मनुख जदों किसे नू आवाज देंदा है ते उन्दे नाम नू आवाज दे के पुकारदा है, ओ इंसान नाम नू सुन के ते उस इंसान दे वल अपना ध्यान केंद्रित करदा है भी फलाने मनुख ने मैनू बुलाया है। इस तरह बाणी विच कुछ संबोधकी शब्द ने उन्हां विच किते सतगुरु ने अपने आप नू संबोधन कीता है, किते सतगुरु ने भाई शब्द संबोधन विच वरते है, किते सतगुरां ने मन नू संबोधन कीता है। जिवें धन गुरु तेग बहादुर साहिब पातशाह जी दी जदों असीं बाणी पढ़ने हां ते साध संगत उहदे विच बोतात विच सतगुरु ने मन नू ही संबोधन कीता है। इत्थे गुरु अमरदास पातशाह कहिंदे ने आनंद पिया मेरी माए, हे मेरी माँ। और बड़ी सोचण वाली गल है, सतगुरु ने माँ नू संबोधन कीता है। ध्यान देना जिहड़ी जीवन दे अंदर आनंद दी अवस्था है, साध संगत जी माँ तो बिना कदे बनदी नहीं। असी बाबा फरीद साहब जी का जीवन पढ़ने हाँ कि जदों बाबा फरीद साहब जी बचपन विच छोटे सन ते माँ ने मुसल्ले दे थले जिथे बह के नमाज पढ़नी उत्थे शक्कर रख देनी ते ये कहना कि जे तू फरीद मालक नू अल्लाह नू याद करेगा ते अल्लाह परमात्मा मालक तेनू मिठी चीज दे के नवाजेगा। हुण बाबा फरीद साहब जी का ध्यान बेशक नमाज ओ पढ़न दे लई मुसल्ले ते बह जांदे ने पर उन्हां दी सुरत विच मिठा है। पर ख्याल करो एक दिन ऐसी अवस्था बनदी है, मां दी लाई हुई चेटक एक दिन इत्थे पहुंच जांदी है कि बाबा फरीद साहब कहिंदे ने फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो माजा दुध सबे वस्तु मिठियां रब ना पूजन तुत। एक दिन ये अवस्था इत्थे पहुंच जांदी है कि बाबा फरीद साहब कहिंदे ने मां ना हुण मैनू शक्कर चंगी लगदी है, ना हुण मैनू गुड़ चंगा लगदा है, ना हुण मैनू शहद चंगा लगदा है, हुण मैनू चंगा लगदा है परमात्मा दा नाम। इसे करके सतगुरु ने ते शब्द वरत्या हे मां हुण मेरे जीवन दे अंदर आनंद आ गया। आनंद पया, पया दा मतलब है पैदा हो जाना। हे मेरी मां हुण मेरे मन विच आनंद पैदा हो गया है ते ये आनंद मैनू दिता है मेरे सतगुरु ने, मेरे सच्चे सतगुरु ने मेरे अंदर एक खिड़ाऊ दी अवस्था पैदा की दी है। पहला मैं अपने गुरु के चरणों में साध संगत जी संसारिक सुख मंगता सा। गुरु अमरदास पातशाह कहिंदे ने पहला संसारिक सुख मंगता सा, हुण मैं संसारिक सुख नहीं, हुण मेरे अंदर संसार के सुखां तो उपर उठ के परमात्मा के नाम का खेड़ा पैदा हो गया। देखो आप गुरु अमरदास पातशाह जी का जीवन पढ़ने हाँ, साहब जी के जीवन में 62 साल का समा तकरीबन है जदों धन गुरु अमरदास पातशाह जी निगुरे ही रहे ने ते जदों उन्हां दे सामने ये गल आई कि किसी साध ने यह बचन कह दिते कि मैं तुहाडा संग कीता है, तुहाडे नाल बैठ के भोजन खाधा है, पानी पीता है, तुहाडा गुरु कौन है, तुहाडे अंदर प्यार बड़ा है, संगत की सेवा बहुत करदे हो तुसीं, ते भाई अमरू ने बचन कहे सन कि मैं अजे तक गुरु धारण नहीं किया। इन्नी गल सुनदिया उस फकीर ने उस साध ने बचन कहे सन तू निगुरै तेरी संगत करके मेरे किते धर्म भी प्रिष्ट हो गए ने। इन्हां मतलब सी बाबा अमरू धन गुरु अमरदास पातशाह जी दे अंदर एक चेटक बन गई कि गुरु तो बिना जीवन दे अंदर गत नहीं मिल सकती। इसे करके साहब की जो आप बाणी पढ़ने बाबा नानक जी कहिंदे ने बलिहारी गुरे अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वाह। जे सो चंदा उगमे धन गुरु अंगद देव पातशाह जी, जे सो चंदा उगमे सूरज चढ़े हजार एते चानण हुंदिया गुर बिन कोर अंधार। कि इन्ना चानण भी हो जाए पर गुरु तो बिना आत्मक जीवन की सोझी नहीं मिलती। इसे करके धन गुरु अमरदास पातशाह जी ते कहते ने सतगुरु मैं पाया, मेरे सच्चे सतगुरु ने कृपा करके मेरे अंदर ये आनंद की अवस्था पैदा कर दिती है। पातशाह कहते ने जो ये दात मिली सतगुर तां पाया सहज सेती, जदों सतगुर ने मेरे अंदर आनंद पैदा किया खेड़े की अवस्था मेरे अंदर बन गई,
हुण पातशाह कहिंदे ने सतगुर तां पाया जदों सतगुर ने यह दात मेरे अंदर पा दित्ती, यह मेरे अंदर खेड़ा टिक गया। पातशाह कहिंदे ने सहज सिद्धी, हुण मेरा मन आत्मक अडोलता दे विच टिक गया, भाव हुण मेरे मन की भटकना खत्म हो गई है। हुण मेरे मन नूं समझ आ गई है कि जिन्नियां संसार दियां वस्तुआं ने, पदार्थ ने, सुख ने, हर चीज़ दा दाता वह परमात्मा मालक अकाल पुरख आप है, जिन्हों गुरु तेग बहादुर साहब कहिंदे ने जगत भिखारी फिरत है सबको दाता राम, जिन्हों धन गुरु नानक साहब कहिंदे ने दद्दा दाता एक है सबको देवनहार, दिंद है तोट ना आवई अगनंद भरे भंडार। गुरु अमरदास पातशाह कहिंदे ने सहज सिद्धी, हुण मेरे मन अंदर आत्मक अडोलता टिक गई, मन वजियां वाधाइयां। मन दे नन्ने नूं सिहारीए सात संगत दी, दा मतलब है मन दे अंदर, हुण मेरे मन दे अंदर परिपूर्ण परमात्मा दे नाम दे वसन करके, आत्मक खेड़े करके, सहज भाव आत्मक अडोलता दे करके, हुण मेरे मन दे अंदर मानो मैनू अंदरों वधाइया मिल रही ने, भाव मेरे मन अंदर उन्हें आत्मक खुशी टिक गई है। हुण मेरा मन एक आत्मक उमा दे अंदर है, चाओ दे अंदर है, खेड़े दे अंदर रहिंदा है सदा। ते साहिब कहिंदे ने राग रतन परवार परियां, राग जिहड़े सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी के अंदर 31 राग ने, राग सतगुरु जी इन्हां नूं रतन दे नाल, कीमती रतना दे नाल तस्बीह दित्ती है। इंज कह लो भी ये जिन्ने शब्द ने प्रतीकात्मक शब्द ने। फिर साहब जी कहिंदे ने परियां, हुण जदों परियां शब्द आया तो साढ़े मन में एक ख्याल पैदा होंदा भी शायद इत्थे परियां शब्द जिहड़ियां असीं पंखां वालियां परियां दा जिक्र कदी सुणदे हाँ कहानियां दे विच, शायद उन्हां परियां दा जिक्र कीता नहीं। सात संगत जी इत्थे राग रतन परवार परियां, परवार राग जिहड़े रतन रूपी ने उन्हां दा जिहड़ा परिवार है, परिवार दे समेत परियां दा मतलब है रागणियां। जिवें राग दे अंदर अनेकां रागणियां दा जिक्र सतगुर ने पावन बाणी दे अंदर राग उचारण कीते ने, पर उन्हां रागां दे नाल नाल सतगुर जी ने उन्हां रागां दे विच जिवें राग गौड़ी ते नाल फिर राग गौड़ी पूरबी, हुण जिहड़ा पूरबी है अगे रागणियां ने, सतगुरु जी ने पातशाह जी ने जिक्र किया। साहब कहिंदे ने जिहड़े राग ने जिहड़े कीमती रतना वर्गे राग रतन परवार परियां परिवारां दे समेत रागणियां पातशाह कहिंदे ने शब्द गावण आईयां, हुण मानो वह मेरे मन के अंदर एक संगीत जिहड़ा हर वेले वज रहा है, मेरे अंदर वह शब्द मेरे मन नूं अंदरों आत्मक खेड़े दे विच हर वेले ला के रखदा है, जोड़ के रखदा है। उन्हों सतगुर कहिंदे ने शब्द गावन आईया, शब्द दा अंदर निरंतर चलना, अंदर परमात्मा दे अमृत उपदेश दा जीवन दे हर कर्म नू करदे अंतर निरंतर चलदे रहना। वेखो इस गल दी सात संगत समझ आए, बाबा कबीर साहब जी दे पावन श्लोकां विच इक श्लोक है, बाबा कबीर साहब जी कहिंदे ने भगत नामदेव जी कोल त्रिलोचन जी आए, भगत त्रिलोचन जी उन्हां नू इस गल दी लोकां कोलों खबर मिली भी भगत नामदेव जी बहुत बंदगी करदे ने, बड़े बंदगी वाले इंसान ने, ते उन्हां दे मन विच मां पैदा होया ते ओ भगत नामदेव जी नूं मिलन लई आए। हुण भगत नामदेव जी दे नाल उन्हां मुलाकात कीती, सारा दिन वेखिया भगत नामदेव जी हथ पैर दे नाल संसार दे कम कारज विच रुझे होए ने, ते भगत त्रिलोचन जी ने एक बचन किया, नामा कहे त्रिलोचना। भगत नामदेव जी जदों भगत त्रिलोचन जी नाल मिलदे ने, भगत त्रिलोचन जी जदों उन्हां नूं वेखदे ने ते वेखण तों बाद ओह इक गल कहिंदे ने, नामदेव मैं सुनिया सी तू बंदगी बड़ी करना, पर जदों मैं तैनूं हुण सामने रूबरू वेख्या ते तू ते संसार दे कार विहार विच रुझा होया, तू बंदगी विच कदों जुड़ना है। भगत नामदेव जी ने गल कही उत्थे, मैं सिर्फ दृष्टांत देने लई सात संगत गल समझ विच आए। भगत जी कहन लगे कि नामदेव, भगत नामदेव जी भगत त्रिलोचन नूं कहिंदे ने, भगत त्रिलोचन जी सुनो असल गल ये है भी मैं हत्थां पैरां नाल कम करना,
पर मेरा चित मेरे मालक नाल जुड़े है। हाथ पांकर काम सब चीत निरंजन नाल। इस अवस्था नूं गुरु अमरदास जी कहिंदे ने राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां। पातशाह कहिंदे ने शब्दो तां गावो हरी केरा। हुण गुरु अमरदास कहिंदे ने हे भाई तुसी भी परमात्मा रब जी दे इस अमृत उपदेश नूं गावो। इन अमृत बचना नूं चेते करो। हरी केरा दा पावे रब जी दे इन अमृत बचना नूं। तुसी भी गावो, तुसी भी चेते करो। ते जदो चेता करोगे मन वजियां वधाइयां। ये जिहड़ियां मन अंदर वधाइयां ने खेड़ा पातशाह जी कहिंदे ने तुहाडे अंदर भी पैदा होएगा। गुरु अमरदास जी कहिंदे ने शब्दो ता गावो हरी केरा मन जिनी वसाया। मन दे अंदर फिर तुहाडे एक खेड़ा पैदा हो जाएगा। मन विच ए उमा पैदा होएगा, मन विच ए चाओ पैदा होएगा, फिर अंदर एक आत्मक खेड़ा ऐसा बनेगा जिस खेड़े दे विच टिकिया जीवन दा हर दुख जिहड़ा वी परमात्मा दे हुकम विच सुख बन के नजर आएगा। वह परमात्मा दी रजा बन के जीवन दे अंदर एक अगमी खेड़ वरताएगा। साध संगत किनिया उदाहरणा ने, यह आनंद सिर्फ दुनियावी सुख की परिभाषा नहीं देंदा। दुनियावी सुख भोगन वाला इंसान अक्सर दुखां दे अंदर भटकदा ते दुखी हो के फिर संसार विच होर थावां दी भाल करदा है। उंदे गुरु नितां प्रति बदलदे ने, उंदी सुरत नितां प्रति बदलदी है, उंदे जीवन विच कदे टिकाऊ नहीं बनदा। पर जदों कोई आत्मक खेड़े विच आनंद दी अवस्था विच पहुंच जांदा है, इत्थे पहुंचिया इंसान बाबा बंदा सिंह बहादुर की तरह अपने पुत्र दा कलेजा कढ के कढवा के भी मूंह विच पा के परमात्मा दा शुकर करदा हुंदा। इहनूं सतगुर आनंद कहिंदे ने। ते आखिरली पंक्ति विच साहिब कहिंदे ने कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। हे नानक जी ए आख कि मेरे मन अंदर एक खेड़ा पैदा होया है, पर ए दात मैनूं मेरे सतगुर ने दित्ती है। सतगुर दे कोलों मैनूं ए दात प्राप्त होई। सतगुरु मैं पाया, मैं ये दात सच्चे सतगुर दे कोलों प्राप्त कर लईए। साध संगत इस गल नूं समझिए, गुरु दे चरणां नूं विच जुड़िया तो बिना, गुरु दे उपदेश नूं समझिया तो बिना जीवन विच ये अवस्था नहीं बन सकती। ये तां ही बनेगी जे असीं गुरु दे उपदेश नूं समझांगे, गुरु दे उपदेश नूं कमावांगे। इस करके धन गुरु अमरदास पातशाह कहिंदे ने जे तूं लोचदा है तेरे अंदर भी ये अवस्था पैदा होए, तेनूं भी आनंद मिले, तू भी इस खेड़े विच पहुंच जाए, तो गुरु अमरदास पातशाह कहिंदे ने फिर सच्चे सतगुर की गोद विच बैठ के सच्चे सतगुर के अमृत गुणा नूं चेते करिया कर। जदों चेते करेगा फिर तेनूं गुरु के चरणों विचों ये दात मिलेगी, तो तू भी आखेंगा कह है नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।